lot of people, expecting you and coming for me for the high fives. So I have not received my votes. Not received your votes. ये इस बार हम देख रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है इस बार वोटर जो हम मुद्दे उठाए उसको समझेगा और हम के हकों की बात कर रहे हैं तो वो सही ढंग से बहुजन समाज को वोट देगा। पिछली बार में जो वोट परसेंटेज था काफी कम था, तो इस बार आपको क्या लगता है कि जैसे चार दिन की लगातार छुट्टी भी है और जो शहरी वोटर है खासकर जी, वो क्या होता है कि अपने बच्चों को लेके निकल जाते हैं, मतलब वोट पे ना ध्यान देके, ये होता है कि चलो चार दिन की छुट्टी मिली बच्चों को लेके, इस पे क्या अपील करेंगे आप? देखिए मेरी मुझे पूरा है कि वोटर जो स्पेशली स्पेयर है वो अपना पता है हम कि किस तरह है बाहर से, तो वो इस चीज को नोट में ले, छुट्टी आई थिंक एक दिन लेट कर और सही वोटर फिर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करेगा। आई एम श्योर जिस हिसाब से गर्मियां पड़ रही हैं खासकर देखा जाता है जो घरेलू महिला कम निकलती है, देखिए महिलाओं को स्पेशली जो हाउस में उन्हें ही उठ नहीं संभालता है, उन्हें पड़ता है कि राशन की भाग रही और सिलेंडर की क्या कीमत भाग रही, तो आई एम श्योर वो इस बारी पूरे दिन में से आधा दिन जरूर कर उस गैस सिलेंडर के जो बढ़े हुए दाम हैं, जो महंगी सब्जियां और जो महंगे चावल और दाल मिल रही है उस आप वोट डाल के बीच करने का जरूर करें। पीपल पार्टियां हमेशा ये कहती हैं कि अब जो है जो मतलब बीएसपी के वोटर्स हैं वो भी अब जो या तो सपा के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, ऐसे जो आरोप लगते हैं उससे आप कहते हैं? आरोप है, प्रोपेगेंडा है, लोगों का काम है गुमराह करना, वो अपना पूरा बखूबी कर रहे हैं, पर हमें पता है हमारे समाज के सभी लोगों को पता है कि पार्टी का कार्यकर्ता कितनी मेहनत से ज़मीन पर लगा है, अभी से नहीं बहुत समय से लगा है, लगातार लोगों के बीच में रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा है और बहुजन समाज पार्टी इस बारी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। थैंक यू।